So, good morning, students. I am Mr. Manohar sir. In third standard English grammar, today we are going to see male and female. Male मतलब पुरुष जाति and female मतलब स्त्री जाति. तो see over here some nouns name specially males and females. अब कुछ nouns होते हैं. Nouns तो आपको पता ही है ना. Do you know the nouns? Name of person, things, animals are called noun. Okay? तो कुछ nouns होते हैं. Some nouns name specially males and females. तो कुछ nouns ऐसे होते हैं जो male होते हैं, पुरुष जाति वाले होते हैं, और कुछ females होते हैं, वो स्त्री जाति वाले. और एक common भी होते हैं जो सामान्य होते हैं. In grammar, grammar में the word gender is used to describe this feature of nouns. तो ग्रामर में नाउंस के जो फीचर है बताने के लिए जेंडर का उपयोग किया जाता है. जेंडर मीन्स जाति, पुरुष जाति या स्त्री जाति या सामान्य जाति. मैस्कुलाइन जेंडर रेफर्स टू मेल्स. मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुरुष जाति, है ना. मैस्कुलाइन का मतलब होता है पुरुष जाति. तो पुरुष जाति रेफर करती है मेल्स को. फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू फीमेल्स. और फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो फीमेल्स को रेफर करता है. जैसे कि बॉय मस्कुलाइन पुरुष, बॉय मैन, गर्ल फेमिनाइन, गर्ल स्त्री लड़की लेडीज वगैरह ये फेमिनाइन में आता है. तो अभी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे. सी एक्सरसाइज नंबर वन ए द नाउन्स इन कॉलम ए. कॉलम ए में जो नाउन्स है आर ऑफ मस्कुलाइन जेंडर. तो ये कॉलम ए में सारे पुरुष जाति के नाम है. एंड दोज इन कॉलम बी एंड कॉलम बी में सी कॉलम बी आर देयर फेमिनाइन फॉर्म्स. ये स्त्री जाति है जैसे कि मदर आंट, है ना, मैच देव. अब इनको आपको मैच करना है कैसे देखिए. सी ए में क्या है, मेल जेंडर, हाँ मैस्कुलाइन जेंडर पुरुष जाति. एंड बी में फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्री जाति फीमेल. ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर. फादर का मदर. मैन का वुमेन. तो इसी तरह से आपको ये मैच करना है. यू हैव टू मैच द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए with the words with column B. Okay? Now we'll see section B. Now change the nouns in the following sentences from feminine to masculine gender. क्या लिखा है, change the nouns. आपको noun को change करना है. Nouns कौन कौन से है, my mother, aunt, है ना. So change the nouns in the following sentences. ये sentence में क्या लिखा है, from feminine मतलब स्त्री में से, स्त्री जाति में से आपको मस्कुलाइन जेंडर में आपको चेंज करना है. जैसे कि माय मदर इज माय कजिन्स आंट. मदर फेमिनाइन है. अब मस्कुलाइन करेंगे तो क्या होगा, माय फादर. मदर की जगह पर क्या आएगा, फादर, है ना. माय फादर इज माय कजिन्स आंट. आंट अंकल, तो आंट के जगह पर आएगा अंकल. So my father is my cousin's uncle. इसी तरह से आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है नोटबुक में. Now we will change. The next page is that. Now see. So up to 8, 4, 5, 6, 7, 8, up to 8 you have to solve these sentences. From feminine to masculine gender you have to change the nouns. Okay? Now see, already in the beginning of the video I discussed about masculine gender,
feminine gender and another one is common gender. Common, see, a noun that can refer to both male and female. एक ऐसा noun जो male भी और female भी दोनों में एक जैसा use होता है, एक ही use होता है, तो उसको it is said to be a common gender. तो उसको सामान्य जाति कहते हैं. For example, देखिए, the doctor has arrived. डॉक्टर आए हैं. अब इन दिस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट में द डॉक्टर कुड बी, डॉक्टर हो सकते हैं ईदर अ मैन और अ वुमन. ईदर और का मतलब होता है का तो ये का तो वो. ईदर और, ईदर मैन, का तो मैन और का तो वुमेन. तो ये कॉमन जेंडर है, तो ये या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है. यू कैन सी द डॉक्टर, द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कैन बी ऑल्सो मे बी अ बॉय और गर्ल स्टूडेंट. टीचर मे बी मेल टीचर, मे बी फीमेल टीचर. पायलट, पायलट मे बी मेल पायलट और मे बी फीमेल पायलट. सो दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. सी नाउ सी द एक्सरसाइज. सी अंडरलाइन द नाउंस ऑफ कॉमन जेंडर. सी रीड द सेंटेंस फर्स्ट. अंडरलाइन करना है द नाउंस ऑफ कॉमन जेंडर. यहाँ पर कॉमन जेंडर जो है वहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है. यू हैव टू अंडरलाइन नाउंस ऑफ कॉमन जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सी अवर इंग्लिश टीचर, टीचर मे बी अ मैन और वुमेन. ओके, अवर इंग्लिश टीचर इज अ वेरी पॉपुलर अमंग students, students, boys, girls, both. So, parents, okay, cousin. So, these are called common gender. You have to underline the nouns of common gender. Okay, like this you have to solve this one. Now, another one is see. Another thing is, see, a noun that refers, उल्लेख करता है, बताता है, to a non-living things, is said, को कहा जाता है, to be a neuter gender, नपुंसकलिंग, मतलब non-living things. तो ऐसे कौन-कौन से है वो neuter gender, chair, non-living. चेयर, टेबल, ट्री, है ना. तो ये सारे जो आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जेंडर जो आते हैं वो आते हैं न्यूट्रल जेंडर में. ये आते हैं, है ना, ये न्यूट्रल जेंडर में. चेयर, टेबल, ट्री, ये सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. नाउ सी Now, we'll see D section. Underline the nouns of neuter gender. Neuter gender के बारे में हम लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा. We have just gone through about neuter gender. It is considered as a non-living things. In the following passage, ये passage दिया गया है जहाँ पर आपको find out करना है. You have to find out the neuter gender and underline the noun. Rahul's friends planned a surprise birthday party for him. Rahul के दोस्तों ने एक surprise birthday party का plan किया उसके लिए. They went to his room. वो उसकी room में गए. When? जब. He was not there. जब वो नहीं था. They moved the chairs and the tables to make space to play games. उन्होंने क्या किया? Chairs और टेबल्स को स्पेस बना के मूव किया और उसको खेलने के लिए जगह बनाई. दे डेकोरेटेड द वॉल्स. उन्होंने वॉल्स को, दीवारों को डेकोरेट किया विथ बलून्स. बलून्स के साथ बलून्स लगाकर डेकोरेट किया वॉल को. एंड रिबन, और रिबन से. देन उसके बाद दे हाइड बिहाइंड द कर्टन. फिर वो कर्टन के पीछे छुप गए. देखो, है ना,
कर्टन के पीछे बलून वगैरह दीवार को लगाया है, हाँ सी द बलून्स, देन दे हाइड, हाइड मतलब छुपना, बिहाइंड द कर्टन, कर्टन मतलब पर्दे, पर्दे के पीछे वो छुप गए। एज सून एज, जैसे ही राहुल वॉक्ड इन, राहुल अंदर आया रूम के अंदर, दे जंप्ड आउट, उन्होंने वो कर्टन से बाहर निकल के जंप किया, जंप आउट एंड सरप्राइज्ड हिम, और उसको सरप्राइज दिया। दे गेव हिम लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, बहुत सारे पुष्कर गिफ्ट्स उन्होंने दिए, एंड ब्रॉट, और लाए, ब्रॉट आउट द केक, और वो केक लेकर आए। दे प्लेड गेम्स, वो गेम भी खेले, एट द केक, केक भी खाया, एंड एन्जॉयड देमसेल्फ, और खूब मजे किए, एन्जॉय किया। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन द नाउंस ऑफ न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे चेयर्स, टेबल, तो ऐसी चीजों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ओके, नाउ अनदर एक्सरसाइज, सी सी ई एक्सरसाइज ई, सर्कल द नाउंस, नाउंस को सर्कल करना है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जो है सामान्य, वही ना, डॉक्टर, टीचर, पायलट है ना, कजिन वगैरह जो है वो, विथ रेड, रेड से उसको सर्कल करना है, या आप सिंपल सर्कल करोगे कोई बात नहीं, सिंपल सर्कल, एंड दोज ऑफ न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है ना, विथ ग्रीन, तो उसको आप इसको क्या करो, न्यूट्रल जेंडर को सर्कल नहीं करना है, अंडरलाइन करो, ओके वो भी चलेगा। तो कॉमन जेंडर को सर्कल करो और न्यूट्रल जेंडर को अंडरलाइन करो, अंडरस्टूड, यू हैव टू सर्कल द नाउंस ऑफ कॉमन जेंडर एंड यू हैव टू अंडरलाइन द न्यूट्रल जेंडर, ओके। सी टीचर, फॉर एग्जांपल कॉमन, कप न्यूट्रल, ओके नॉन लिविंग थिंग्स, एथलीट, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज, ओके। सो आई विल सेंड द आंसर की आफ्टरवर्ड्स, आई होप यू लाइक दिस लेसन वेरी मच, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड रीड इट केयरफुली, ओके गो थ्रू इट, थैंक यू वेरी मच।